साथियों, कैसे हो? सब ठीक हो? देखिए, बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी नई भर्ती 2024 न्यू वैकेंसी, इसमें हम लेकर आए हैं लेखपाल भर्ती के लिए। ये क्या है? लेखपाल भर्ती के लिए बहुत सारे बच्चा ने इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था कि लेखपाल का भर्ती बिहार में कब आ रहा है। ठीक है, वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। ठीक है, वो लेखपाल की भर्ती नहीं आ गया है। ठीक है, देखिए, बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज एम योजना सोसाइटी नई भर्ती 2024 की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अभी 2024 मिशन में चल रहा है ताकि 10 लाख क्या बोलते हैं 10 लाख बच्चों को नौकरी देना ही देना है। ठीक है, टोटल पोस्टों की संख्या 6570 है। ठीक है, लेकिन अप्लाई डेट इसमें भी सूचना कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको कम से कम 12 अप्रैल को, एक मिनट थोड़ा सा लाइन पे बने रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं, 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, लेकिन 15 अप्रैल और 14 मई तक इसका क्या है, 15 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है और 14 मई तक इसकी राइट लास्ट डेट है। यानी मान कर चलिए कि मोटा मोटी एक मंथ का समय है, एक दिन कम है, यानी 29 दिन का समय आपको दी जा रही है फॉर्म भरने का। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना? कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स, इसके कहने का मतलब है कि देखिए, कैटेगरी के मतलब क्या होता है, वाइज का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, और डिटेल्स का मतलब किसी भी चीज़ का आंकड़ा निकालना। ठीक है, लेकिन कैटेगरी कहने का मतलब है, देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा कोई इसमें फॉर्म नहीं डालेगा, वही डालेगा जो आगे अच्छे से पढ़ाई किया। ठीक है, सबसे तो ग्रेजुएट जी का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएट में जो बच्चा बीकॉम किया है, इसमें आगे और बताएंगे, लेकिन इसमें अभी थोड़ा हम जिस प्रकार से लेवल में पहुंचते हैं उसी प्रकार के लेवल से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट में जो बच्चा बीकॉम किया है ना, वही फार्म को डाल सकते हैं। अगर वो बीकॉम किया है, ठीक है, और आगे जाकर एमकॉम भी कर लिया है, ठीक है, वो बच्चा फार्म डाल सकता है, दूसरा कोई फार्म और नहीं डालेगा। ठीक है, इस बात को समझते रहना। ठीक है, ये पहले बात को समझना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स, मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, अभी बताया मैंने। ठीक है, मेन फीमेल यानी पुरुष महिला की बातें करा है, किसका बात करा है, तो पुरुष महिला की बातें ये करा है। ठीक है, जनरल GEN का मतलब जनरल, AWS OBC EBS EBC SSC और ST कैटेगरी। ठीक है, मेन यानी जनरल में पुरुषों की संख्या 1068 है, 68, और EWS में 427, OBC कैटेगरी में 769, EBS में 1068, SC में 853 और ST में 85। ST में सबसे कम है पोस्ट, जो कि 85 पोस्टिंग देखने को आप सबको मिल रहा है। ठीक है, फीमेल में 575 है, 230 है, 414, 575, 460 और ST में सबसे कम संख्या आपको देखने को मिल रही है सीट है, जो कि पुरुषों के लिए 85 है और महिलाओं के लिए 46 है। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या बात की जाए तो 131 है, सबसे ज़्यादा कम है। किस कैटेगरी में है? तो ST कैटेगरी में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लिए 647 है और EWS के लिए 657 है, OBC के लिए 183 है, EBS के लिए 1647 है और ST के लिए 1313 और ST के लिए 131। बहुत ज़्यादा कम है, किसका कम है? तो ST की कैटेगरी का। ठीक है, और अगला प्रश्न आप सबके सामने देखिएगा, पोस्ट नेम के कहने का मतलब है कि हम आपको उसी प्रकार से बोले ना कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से हम लेवल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पोस्ट नेम हम बताने से पहले आपको बोल दिए कि ये लेखपाल सोसाइटी सहायक भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी आया है सब आप सबके लिए। ठीक है, क्या है? लेखपाल के लिए ये भर्ती स्पेशल आया है, वही बच्चा फॉर्म डाल सकता है जो बच्चा बीकॉम और एमकॉम किया है और CA सेंटर किया है। एक कोर्स होता है CA सेंटर, उसके बारे में और आगे हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन CVT, यानी कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चा का, देखिए OFFALINE, जो ऑफलाइन बच्चा का क्लास चलता है, बोलोगे एग्ज़ाम चलता है, उस एग्ज़ाम में क्या होता है, फेक हो जाता है। फेक कहने का मतलब है कि लीक पेपर हो जाता है। ठीक है, बच्चे का एग्ज़ाम क्या होता है, लीक हो जाता है, तो मान को चलकर मेहनत करना सब बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से एक एग्जामिनर ने, यानी जो इसका न्यू वैकेंसी निकाला है और इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट जो करेगा, वो CVT कहने का मतलब किसी का मतलब हो गया क्या,
कंप्यूटर, बी का मतलब बासठ और टी का मतलब टेस्ट, कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर से आपको एग्ज़ाम ली जाएगी। फुल नोटिस, फुल नोटिस के कहने का मतलब है कि आपको 12 अप्रैल 2024 यानी हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 12 अप्रैल को देखो बच्चा, 12 अप्रैल को आप सबका नोटिफिकेशन आया था, 15 अप्रैल का आप सबका फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 14 मई तक आप सबका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। हम उसी प्रकार से बोलें कि जिस प्रकार से बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताते हैं उससे ऊपर भी हाई लेवल में बच्चों को समझा देते हैं, इसको बताने से पहले हम आपको बता दिए थे, ठीक है। देखिए मैंने बोला है ना कि पहले ही बता दिए थे, देखिए मैंने जनरल में बोला था कि बीकॉम किया है तो अच्छी बात है, फार्म को डाल सकते हैं, अगर बीकॉम किए हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद एमकॉम, जो बच्चा एमकॉम किया है वो भी फार्म को डाल सकता है, और जो बच्चा ये दोनों में से नहीं किया है, अगर सीए सेंटर किया है तो वो भी फार्म को डाल सकता है, ठीक है, वो भी फार्म को डाल सकता है। देखिए अब अगला इसमें अगला वही चीज़ हुआ है, थोड़ा सा इसमें डिटेल से मैंने बच्चों को समझाने के लिए ला दिया है, ठीक है। पोस्ट नेम लेखपाल सर आईआईटी आईटी सहायक केंद्र के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन सिबिटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर से आप सबका एग्जाम ली जाएगी। फुल नोटिस 12 अप्रैल को बाबू आप सबका आया था, 15 अप्रैल से आप सबका अप्लाई होगा, 14 मई तक लास्ट डेट है, और इसका मान कर चलिए कि एग्ज़ाम जब होगा आप सबका दो मंथ में आप सबको ले लिया जाएगा, ठीक है। एक दो मंथ में मिशन बहुत अच्छे से चल रही है, 10 लाख बच्चों को नौकरी देना है ना, इसलिए 6 मंथ 8 मंथ में आप सबका नौकरी पक्की हो रहा है, ठीक है, बोले बात को समझते रहना, ठीक है। जनरल के लिए मैंने ये बाबू बता दिया है, इसको बताने को कोई अतु नहीं है, इसमें हम बता दिए, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में बहुत सबसे ज़्यादा बच्चों को अथु रहता है, कंफ्यूज होता है कि मान कर चलिए कि सर आप बताइए कि मुझे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा फॉर्म को भरते समय, ठीक है। पहले बात को ध्यान रखना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि एजुकेशनल बच्चा कहाँ तक पढ़ाई किया था। देखिए मान कर चलिए कि जो बच्चा बीकॉम पढ़ाई कर रहा है ना तो बीकॉम का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो बच्चा एमकॉम पढ़ाई किया है ना तो एमकॉम का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो बच्चा इसमें से दोनों नहीं किया है, अगर दोनों किया तो अच्छी बात है, और सीएस इंटर भी कर लिया है तो उसका क्वालिफिकेशन चाहिए एजुकेशनल, राइट, समझ में आ गया। और देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट होता है उसको आप बनवा सकते हैं, ठीक है। जाइएगा सेबर कैप के पास, बोलिएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको चाहिए, ठीक है, बना दीजिए, वो बना देगा, ठीक है। केस्ट सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, ठीक है, और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा नॉर्मल मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स, उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। और देखिए टोटल पोस्टों की बच्चों संख्या है आप सबका 6570, टोटल पोस्टों की संख्या 6570, मैंने पहले ही बता दिया था कि 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रहा है, अप्लाई डेट 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 14 मई तक आप सबका लास्ट डेट है, लेकिन बच्चा आप सबका एग्ज़ाम दो मंथ के अंदर ले लिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम क्या है 2 मंथ के अंदर ले लिया जाएगा, इतना कंफ्यूज मत रहना, ठीक है, 100% श्योरी सीरियस में रहना, ठीक है, तब अच्छे से होगा, ठीक है। ये देखिए ये वही चीज़ हुआ है, आप सबको समझाने के लिए मैंने अच्छे से पॉइंट द्वारा पॉइंट से ला दिए हैं, ठीक है, वही बच्चा है आप सब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे और दिल पर अच्छा लगे कि हाँ ये वीडियो सच में अच्छा बना है, इसके लिए आप सब सब्सक्राइब सबसे नंबर कर देना, उसके बाद लाइक कर देना, और उसके बाद कमेंट कर देना कि सर आज का वीडियो बहुत अच्छा रहा और नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का आना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार से कोई संबंधित हो तो हमें समझ में आए ही कहना चाहिए, ठीक है, और इससे भी बेस्ट लगेगा मेरे दोस्त, तो आप सब अपने दोस्तों एवं भाइयों के पास शेयर भी कर देना इस लिंक को, ठीक है। देखिए मैंने इसमें स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ देखिए मैंने इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, कहने का मतलब है कि देखिए बच्चा हम ये नहीं कहेंगे कि अगर मेरा वीडियो है, देखिए अगर वीडियो अच्छा, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या अच्छा, ठीक है, अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तभी आप सब क्या करना बाबू लाइक करना, ठीक है, लाइक अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, इससे भी अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्या करना सब्सक्राइब, अगर इससे अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना, ठीक है, और तो कमेंट तो आप सबका मन का है, कमेंट तो आप सबके लिए करना है ना, कमेंट हमको थोड़ा ना कहने से आप सब करिएगा,
कमेंट आप सबको करना होता है ना, कमेंट कि किस प्रकार का वीडियो रहा, किस प्रकार से अगला वीडियो रहा आना चाहिए, ठीक है। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इतना तो बनता ही बनता है ना मेरे दोस्त, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो को और देखने के लिए आप सब चैनल को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, चैनल को अंत तक बने रहिएगा, हम तो यही कहेंगे। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे दोस्त कि ये लेखपाल, और यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ बी कॉम एम कॉम। देखिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ BCOM CA Inter, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ सब्सक्राइब, राइट। जैन साथियों, इतना ही तक मैं रहने देता हूँ, ठीक है। जैन।